और ये देखो आज मैंने अपनी गाड़ी की चाबी ले ली है, आज मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करने वाली हूँ। छोड़ दो बस कैमरे को छोड़ दो, मुझे सच्ची बताओ मेरी तारीफ करो। कांग्रेचुलेशंस। संडे का दिन तो सब सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद बैठे अभी टीवी पे, यहाँ से कुछ खाने का दिल कर रहा है, बेर खाते हैं। इतने दिन से मेरे हस्बैंड ये बेर लेकर आए, मैं सोचती रही खाऊंगी खाऊंगी, खाने का टाइम ही नहीं मिल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। और ये देखो आज मैंने अपनी गाड़ी की चाबी ले ली है, आज मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करने वाली हूँ। जो मैं क्लासेस ले रही हूँ, संडे के संडे ऑफ होता है, तो पहले भी एक दिन मिस हो गया जब टीचर की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं आई थी। मैंने सोचा कि आज का दिन मैं मिस नहीं करूँ, तो सुबह सुबह नाश्ता करके ना मैं उठ पड़ी हूँ। जैसे मेरा डेली का रूटीन होता है ना, जिस टाइम आप क्लास लेते हैं, हाँ मैं 11:30-11:12 का टाइम, 11:12 का टाइम, और इस बीच में ही मैं डेली क्लास लेती हूँ। तो मैंने सोचा आज ना मैं ये वाला टाइम मिस नहीं करती, क्योंकि ये वाला टाइम चला जाता ना फिर अंधेरा होना शुरू हो जाए। मेरे हस्बैंड के डरते हैं अंधेरे में गाड़ी में ड्राइव करो, दिन में ड्राइव करना। तो देखो आज गाड़ी भी अंदर खड़ी है, तो मैंने यहाँ से ही बाहर निकाली है, चाबी मुझे मिल गया, बाहर भी निकालती हूँ। ना मेरे हस्बैंड ने ना गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दी थी कि थोड़ा गर्म हो जाए, ये जरूरी होता है सर्दियों में ना। हाँ स्टार्ट करनी चाहिए 5-10 मिनट, क्या होता है इसका इंजन ऑयल होता है ना, वो थोड़ा जम जाता है ना, और अगर ऐसे स्टार्ट करके निकल पड़े इंजन को खतरा होता है। चलो ये चीजें मुझे आप सिखाया करो ना, मैं सीखूंगी। फिर बच्चे अंदर घुस गए, बच्चे पहले अंदर से बैठ गए, मुझे नहीं चलाने देने का। चलो रख लो, मैं दे वापसी पे आगे देती हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं, सबसे पहले मुझे अपनी सीट एडजस्ट करनी, सीट को ऊपर करना और नीचे करना। अब सही है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये देखो ना, इस कैमरे से भी पता चलता है। साइड ग्लास हट जाओ, साइड ग्लास तो मुझे चेक करने दो, सही है ना, ये वाला भी देखने दो। आराम आराम से बाहर जाके बताना, मुसाफा आप पीछे चले जाओ, मुसाफा को बोलना बताता रहेगा मुझे। आप ले अपने साइड ग्लास देखने, बस जाने दो, आप हट जाओ ना मुसाफा, इतना साइड से हैंडल चले चले। मैंने अपने घर से गाड़ी निकाल दी, इतना मुश्किल ये मेरे लिए टास्क था सच में यार। मुझे गाइस आज मेरे लिए ये एक सच में एक मुश्किल था, जहाँ से मैंने गाड़ी निकाली है ये सच में मुश्किल थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है ये गाड़ी ड्राइव करके, है ना, ये कितना स्मूथ है ना। Okay. इसको तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करके राइट लेफ्ट देख के ना फिर। ठीक है समझती हूँ, यही चीजें तो मैंने सीखी है। तुम्हें क्या लगता है, मैंने क्या लगा मैं गाड़ी नहीं सीखी हूँ, अब तो मैं ऐसा घुमाऊंगी ना, तुम्हें पता चलेगा कि बस 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 इधर रोक दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब गाड़ी इंडिकेटर दो लेफ्ट साइड में, अब गाड़ी नहीं रुकने वाली। बड़ी गाड़ी जो है ना वो बहुत इजी चलती है, इसको आसपास वाली गाड़ियां भी रास्ता देती हैं। सच्ची बताओ ना, छोड़ दो बस कैमरे को छोड़ दो, मुझे सच्ची बताओ, मेरी तारीफ करो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे जैसे बताया था ना कि बड़ी गाड़ी थोड़ा सा मतलब वो है, आपको देख के चलानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है इसको ड्राइव करने में। ये और इतना ये स्मूथ है, इतना स्मूथ, छोटी गाड़ी भी इतना, इसको हल्का सा मैं पाओ से टच कर रही हूँ ना, हल्का सा, इतनी इसकी रेस जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह देखो आज मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रही हूँ, और अच्छी खासी स्पीड में मैंने आज अपनी गाड़ी चलाई है, और गाड़ी ड्राइव करके हम पहुँच गए हैं अपने प्लॉट पे। पहली बार मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके जहाँ पर हमने अपना प्लॉट लिया था, देखो उस साइड पे वहाँ पर आ गए हैं, और अभी जाके पौधों को देखें। हाँ पौधे लगाए थे सब कुछ, ये मेरे हस्बैंड वैसे खैर आते जाते रहते हैं, मैं कितना टाइम हो गया ना शादी से पहले, कितना टाइम हो गया तो मैं आई थी, काफी टाइम हो गया, पुश करके छोड़ूंगा बस। उनकी जो गाड़ी मैंने सीखी है ना वो चाबी से बंद होती है, ये चाबी से चलेगी और ये बटन प्रेस होता है इसका। ड्राइविंग करके आई हूँ, थोड़ा सा प्लॉट भी देख लेते हैं, इस पे भी नजर मार लें, फिर ड्राइव करके फिर कहीं आगे थोड़ा और चलते हैं। और ये देखो ये रहा हमारा प्लॉट, और इस पे ये जो लगाए थे, जैसे हर जगह पर पत्ते झड़े हुए हैं, इसके भी मुझे लगता है पत्ते झड़ गए। और ये वाला तो लेमन का है, ये वाला किस चीज का था, खुबानी का। यहाँ पर ये अंकल होते हैं जिनको हमने बोला हुआ है, हमारे पौधों को पानी वानी देते हैं, थोड़ा ध्यान रखें, और इधर ही कुर्सी रख के बैठे रहते हैं। देखो मैं कब इस घर को शुरू करवाऊंगी। और ये सारे प्लांट जो ताहरा सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किए थे जब मैंने ये प्लांट लिया था, उस टाइम पे उसी टाइम के सारे लगे हुए हैं, लगता है काफी कुछ सूखे भी हैं, पत्ते भी झड़े हैं। ये देखो ये इस पे तो पत्ते लगे हुए हैं, ये सूख गए अभी, इसके पत्ते झड़े हैं, ये सूखा नहीं, अभी मौसम बाहर आने वाला है ना, तो ये पूरे पत्ते जो है ना इसके ऊपर आ गए। और ये वाले दरख्त देखो ये भी हमारे घर में ही आएंगे, जी टहनी मुस्तफा ने तोड़ी थी देखो, सूखी हुई अभी तक। ये हमारे घर के पेड़ हैं, घर के अपने पेड़ हैं, ये हमारे अपने दरख्त हैं, अच्छे लगते हैं ना घर में। मैं कहती हूँ घर ऐसा हरा भरा हो, दरख्तों वाला हो। और ये लाइन जो आ रही है ना दरख्तों की, हमारे प्लॉट में ही है, घर बनेगा ना तो मैं एक भी नहीं निकलवाऊंगी।
एक आधा कहीं निकलवाना पड़ा जहाँ पे मतलब गेट आएगा तो वहाँ से निकलवाऊंगी, वरना ये सारे दरख्त रखूंगी, इतने अच्छे लगते हैं ना। फिर बच्चों का ट्री हाउस बन सकता है, झूला लग सकता है बच्चों का, अच्छा लगेगा। ये देखो एंड तक सारे के सारे ट्री हैं। ये देखो ये हमारे पास ही नेबर हैं जहाँ पर हमने प्लॉट लिए, उन्होंने देखो इतना सब्जियां माशाल्लाह यहाँ पर उगाई हुई है। हरी लहसुन देखो कैसी ज्यादा हुई हुई है, सारी माशाल्लाह से हरी लहसुन है, और ये वाली भी हरी लहसुन है, और साथ में पता नहीं ये टमाटर है, ये हरा धनिया है, कितनी सारी सब्जियां इन्होंने उगाई हुई है ना। हाँ साथ में पपीता भी लगे हुए हैं, इतना छोटा पपीता का ट्री है, इस पे भी देखो कितना पपीता लगा हुआ है ना। जब हमने यहाँ पे प्लाट लिया था ना तब यहाँ पे आसपास के जितने भी थे ना दो चार घर, जैसे कि ये वाले, ये भी मुझसे ये भी आए थे हमसे पूछने हमें घर पे इनवाइट करने के लिए, क्या आओ हम आपको चाय वाय पिलाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, जल्दी आप यहाँ पर आ जाओ, घर बन जाएगा। मतलब इस तरीके से एक अच्छे इखलाक के लोग हैं यहाँ आसपास के। जैसे लाइन से ट्री प्यारे लग रहे हैं ना, देखो बीच में ये वाला गैप आ रहा है ना यहाँ पर, तो गेट यहाँ पे भी आ सकता है, तो ये वाले ट्री नहीं निकलेंगे। और जो दूसरी साइड जहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी की है ना, वहाँ पे भी हमारे घर का गेट उस साइड से भी आएगा ना, तो उस साइड पर भी नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखो ये भी बीच में अच्छा खासा गैप है, जब घर बना तो गेट यहाँ पे भी आ सकता है, घर बना एक गेट यहाँ पे भी आ सकता है, और एक ये देखो ये कॉर्नर वाला प्लॉट है ना, तो यहाँ पे भी वैसे आ सकता है गेट। इतना अच्छा लगता है ना जब बंदा खुद गाड़ी सीख ले, ड्राइव कर ले। आज मैं ड्राइव करके आई हूँ तो मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं खुद से आई हूँ, और ऐसे मैं कभी भी आ सकती हूँ। अपनी गाड़ी ड्राइव करने का ना बस अलग ही मज़ा है सच में। चलें, दुआ करो इंशाल्लाह जल्दी शुरू करवाएंगे। ये हमारा प्लॉट है, और देखो ये मेन रोड है, मेन रोड से कितना करीब है ना हमारा प्लॉट, ये सामने जैसे हम यहाँ से टर्न हुए ना, तो फौरन से देखो ये हमारा प्लॉट है। चलो गाइस चलते हैं वापस से अपनी सीट पे बैठ। मैं क्या बताऊं, चलें घर चलें। और ये घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। घर तो मैं नहीं जाऊंगी, अब गाड़ी तो मैं नहीं रोकने वाली, ये बात तो तुम देख लो। ठीक है घर जाऊंगी। सीख तो मैं गई हूँ, ये देखो ये आप... देखो वाह, तो छोटी गाड़ी को इतना भगा भगा के ना। वो छोटी बड़ी गाड़ी जो है ना, वो छोटी गाड़ी थी, अभी बड़ी गाड़ी, इसमें मजा आ रहा है बहुत मुझे। और जितनी भी गाड़ी आ रही है ना गाइस, मैं सबको क्रॉस कर रही हूँ, जबरदस्त लाइन पे जा रही हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल सही। मरी तो मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगी अगर हम मरी गए ना, कितना अच्छा मेरा कंट्रोल है, जबरदस्त है ना, जबरदस्त। स्पीड भी मेरी सही जा रही है, जहाँ पे मुझे रोकना होता है बहुत ही स्मूथ जाके रोकती हूँ। वन वीक के अंदर अंदर ना आप सीख जाएंगे। देखो व्यू यहाँ का गाइस कितना ज्यादा खूबसूरत है, वाओ कितना प्यारा व्यू है। सच बता रहा, मेरे साथ डर तो नहीं रहे? नहीं नहीं मजा आ रहा है। वैसे तुम्हें डर तो नहीं लगा है कि ये पहली बार ऐसे गाड़ी पे बैठ रही है कहीं मारे ना? और स्पीड भी आप थोड़ा सीख के आइए ना। तो इन पे जो है ना मेरा अच्छा वो एक वो है कंट्रोल है, राइट लेफ्ट देख के। आप घर चलना है? मैं बताओ कहाँ पर जाऊँ? सीधा सीधा चलो। हाँ ये सीधा इस साइड, वो पहले ब्लैक वाली गाड़ी जा रही है उसके साथ मुकाबला लगा दिया। मैंने लगाया, मैं गई भी हूँ आगे, फिर उसने ज्यादा भी गई थी, ज्यादा हो गया मुझे देख के कि औरत होके मेरे साथ मुकाबले कर रही है, वो ज्यादा हो गया मुझे। तो चलाए गाड़ी, जब आप सीख जाएंगे ना फिर आपके हाथ में होगा, कंट्रोल भी अच्छा होगा। और अभी भी वैसे मैं बेहतर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बच्चों को आराम से लेने के लिए जा सकती हूँ, यकीन भरोसा है। आपके वापस आ चुकी हूँ, और आज मैंने तकरीबन एक घंटा की होगी ना, बस सही लगाई ये गाड़ी बहुत अच्छी। चलो वापस आ गए, और ना अभी ना थोड़ा थोड़ा मुझे चक्कर भी आ रहा है। हाँ गाड़ी चलाने के बाद ना थोड़ा थोड़ा ना मुझे चक्कर आ रहे, मैंने ऐसा स्पीड में गाड़ी चलाई ना, और आदत भी नहीं है मुझे गाड़ी चलाने की, इतना टाइम चलाया है, तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। लाइट नहीं है घर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, और अभी हमने सोचा है कि क्यों ना अभी हम अपनी स्कूटी को अनबॉक्स कर लें, कब से पड़ी हुई है और खराब ना हो जाए बड़े बड़े, तो हम इसे अनबॉक्स करेंगे। यार ये रहे का टायर एक्स्ट्रा, ये चार्जर है शायद, ये तो चिपक गई, ये ये रहा गर्मा गर्म साग जो कि मक्खन में, अभी इसको मैंने फ्राई किया है हरी लहसुन के साथ, अभी देने के लिए मैं जा रही हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखो चावल की रोटी भी बना ली, इसको भी पैक कर लिया, और अभी देखो लाइट भी जा चुकी है और इसकी स्कूटी भी निकल के आ गई है। ये आप डिश रख लो ना गाड़ी में,
और रास्ते से मिठाई भी लेनी है उनके लिए। तो अभी 6:30 का टाइम हो रहा है, जैसे मैं वहाँ से ड्राइविंग करके वापस आई थी ना, मैं नाश्ता करके नहीं जाती, जब मैं ड्राइविंग की क्लास लेती हूँ 11:30-12 तक मैं नाश्ता नहीं करती, वापसी पे आके करती हूँ, चाय ले लेती हूँ थोड़ा बहुत साथ में, जैसे बिस्किट ऐसा कुछ ले लिया तो ले लिया, वरना मैं नहीं लेती सुबह के टाइम, काम ही करती हूँ नाश्ता, वापसी पर आकर नाश्ता करती हूँ। ना स्पीड में चलाई, ये बड़ी गाड़ी थी, पता नहीं मुझे ऐसे चक्कर आए हैं, वापसी पे आई हूँ, सर में दर्द शुरू हो गया और आज पूरा दिन ऐसी तबीयत रही है ना। कल का व्लॉग भी मेरा अच्छा खासा लेट गया है और एडिटिंग नहीं हो पा रही थी, मुश्किल से बस उठी व्लॉग एडिट किया। अभी मेजर की वाइफ थी हमारे घर पे आई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, उन्होंने हमारे घर पे खाना भी भिजवाया था, एक बार घर पे भी चक्कर लगा के गई हैं और इधर ही रहती हैं जहाँ पर हम हैं, थोड़ा सा यहाँ से पास है। उनको भी मैंने साग और ये चावल की रोटी जैसे ताहरा सिस्टर को दिया था, मैं नहीं जाती, तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बच्चों को तैयार व्यार करा के सब कुछ रेडी किया हुआ था कि बस यही जाएंगे, और फिर मेरे हस्बैंड जा ही नहीं रहे थे कि नहीं तुम साथ में चलो। जब साथ जाए ना तो अच्छा होता है। मिठाई लिए या केक लिए? और ये देखो, ये हमने साथ देने के लिए मिठाई भी यहाँ से रास्ते से ले लिए। ये बेचारी तैबा वापस से बैठ गई है आराम से, क्योंकि आयत ने वापस से इस चीज की लॉलीपॉप ले ली है। आयत बिल्कुल अच्छी मैनर्स नहीं है। अम्मा आपने आयत को ज्यादा सर पे चढ़ा दिया है। अच्छा सलाम करो, चलो सब आज मिलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, शर्मा रही है। कैसी हो? इसके बगैर आना था। ये मैं स्पेशली आपके लिए लेकर आई हूँ, ये हमारे गांव की सौगात है ना। दादा कब आएंगे? दादा कब आएंगे? सबके पास थोड़ी देर के लिए आई थी, आपने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। दोनों को जी बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सितारा की जर्नी स्टार्ट से देख रही हूँ, तो मुझे पता है कि इसने कितनी मेहनत की है अपने उस पे, चैलेंज भी करे और सारा कुछ ना, और बच्चों के साथ इस तरह की करना बहुत मुश्किल होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बच्चों का गिफ्ट नहीं है, ये आपका गिफ्ट है। ओ जाना है, जान बॉक्स नहीं जी, ये जब आप बिछाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं ये नहीं करती हूँ। आप ले लो, अभी हम टीम में बुलाते हैं, फिर आपको बुलाते हैं। बच्चों से आप तो देखो, हम आए थे ऐसे थोड़ी देर के लिए कि मिल के भी चले जाएं, और साग देने के बहाने आए थे, और आपने इतना कुछ देखे यहाँ पर अरेंज किया, और सब कुछ होममेड है। ये आपने इतना कुछ ये आपने कर लिया है बच्चों के लिए। बहुत वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आपसे मिलके थोड़ा दिमाग फ्रेश हो गया। बैठे ना आप हमारे साथ बैठे, और केक चाहिए, केक की बस, इसको केक ही पसंद है, केक की दीवानी है। शूनी और केचप डालना है बेटे की, और ताहिरा सिस्टर की नेचर मुझे बहुत जैसे लगते हैं, बहने हैं आप। लेंगे किसी दिन मैं मिलवाऊंगी आपको। तो सिर्फ ये चाय बन रही थी, और चाय में इतना कुछ इन्होंने देखो साथ में बना दिया है। लौकी का बना है ना, लौकी का हलवा है, कैसा बना है? बहुत अच्छा है, सच में बहुत टेस्ट है, बहुत मजे का है। लौकी का हलवा ट्राई करते हैं, पसंद आया ये, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से लेते हैं और फिर आगे बेहतरीन सुबह का टाइम अपनी बात पे, मजे का बनाया आपने सर, ये बहुत टेस्टी। और मैं तुम्हें बताऊं, मैं तो वो कद्दूकस और ये वो चीजें भी नहीं करता हूं। ये आपने कैसे बनाया? कुकर में डाल के बनाया। कुकर में डाल के बनाया है, बहुत मजे का बना हुआ, इसमें टेस्ट कितना है फिर ना। कुकर ये जो लोग होते हैं वो गाजरों को भी कद्दूकस घी में बना हुआ है, बैलेंस किया हुआ है, इसमें स्वीट शुगर तो जरा। यहाँ पर हलवा तो देखे मैंने अपना पूरा खत्म किया, और बहुत टेस्टी था, और उसके बाद अभी कश्मीरी चाय भी बन के आ गई है। प्ले एरिया पता नहीं ऊपर बनाया हुआ, हाँ। गेमिंग जोन वहाँ पे, तो बच्चे ऊपर से आ ही नहीं रहे, नीचे ऊपर ही अभी बैठे हैं। पहले तो वहाँ से नहीं आ रहे थे, घर से नहीं आ रहे थे कि नहीं हम घर पे बैठे, ये कार्टून उनको देखने थे ना। अच्छा अच्छा, अब यहाँ से खाना मिले ना मिले ये चीज मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आयत बल्कि इतना रो रही है, जा ही नहीं रही यहाँ से। I think
गाड़ी में बैठती है ना फिर चलते हैं। बैठो तो सही। चलो ना इसको इधर ही रहने दे। हाँ ठीक है, आप भी साथ में चले। चलो चलो मैं आ रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ ना, आगे बैठ रही हूँ। और ये ताहिरा सिस्टर की दूसरी बहन है। अब ताहिरा सिस्टर से भी मिलते हैं इंशाल्लाह, भी मिलवाऊंगी। चलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हालत मैं आ रही हूँ ना, मैं अभी आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ऐसा लगा यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपके सामने। अंकल बहुत ज्यादा अच्छे थे, वो उनसे जैसे वो बात करते थे उनकी नेचर से बहुत ज्यादा अच्छी सी वाइब्स आ रही थी। और उनके जो बेटे हैं वो कैप्टन है एयरफोर्स के अंदर, और पता नहीं एक साल हो गया शायद उनको कैप्टन के अंदर, और टोटल 8 ईयर्स तक कैप्टनसी चलती है। तो उसके बाद वो आगे और भी बड़े लेवल तक जाएंगे इंशाल्लाह। और एक चीज जो मुझे उनके घर पे सबसे अच्छी लगी वो था उनका PS4 जो अच्छे से खेल लेती हो। वो अंकल हमेशा से जो है वो कहते हैं कि आपने बहुत बड़े लेवल पे जाना है, हमेशा अपनी पढ़ाई को, अपने स्पोर्ट्स को, और जो भी चीज आपको अच्छी लगती है आप उसको हमेशा अपने साथ लेकर चलो। कौन है वो? खुद एक मेजर है, मेजर करने। तो चलो यहाँ पर आकर बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छी फैमिली है और इनसे मैं तीसरी बार हम मिल रहे हैं ना, तीसरी मतलब हम दो बार पहले मिल चुके हैं लेकिन तीसरी बार आज मैं इनके घर पे मिली। अच्छा अच्छा, बड़ा गेम चाहिए वो वाली? हाँ जी, हम तैयबा को भी पसंद आए तो भी मुझे भी पसंद है। आपको भी पसंद है ये वो गेम? अच्छा देखे ना, ये भी बोल रही है इसको भी पसंद है, तैयबा को पसंद है। चलो किसी की बर्थडे आएगी तो ही लेंगे, किसी की बर्थडे आएगी तो ही गेम लेंगे, ठीक है? अब किसी की आने वाली है ना, किसकी आने वाली है? किसी की आने वाली देर है अभी, उसे अभी तो किसी की बर्थडे आने वाली हो, बर्थडे बॉय अभी देर है।